यस रेडी 3 2 1 शुरू। किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या दंड संहिता के अधीन 2 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय दोषी घोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराधी की तुच्छ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे दंडादेश देने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ा जा सकता है। विराम पैरा। बाल श्रम का कोई सर्वसामान्य रूप नहीं है बल्कि यह कई रूपों में विद्यमान है। विराम। इसे घर पर कार्य करने वाली घरेलू श्रमिकों, चाय या खाने पीने के ढाबों पर कार्य करते बच्चों, गलीचा पटाखा, आरी तारी जैसे उद्यमों में दिन रात एक करते बच्चों या फिर छोटे बड़े शहरों में कूड़ा करकट बीनते, भिक्षा मांगते बच्चों के रूप में देखा जा सकता है। विराम। अब सवाल उठता है कि सभी को पता होते हुए भी कि बाल श्रम एक अपराध है और बच्चों के बचपन तथा उनके मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है, बावजूद इसके यह बड़े स्तर पर क्यों प्रचलित हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्यों हमें झकझोरता नहीं है, अखरता नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके मूल में लोगों का लालच है क्योंकि बच्चों को वयस्कों की तुलना में आधा पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। विराम। इसलिए अधिक धन कमाने के लालच में लोगों की आत्मा उन्हें नहीं धिक्कारती है। विराम पैरा। उस समय मेरे आर्थिक सलाहकार भी मकान बनाने में सहमत नहीं थे। विराम। किंतु चिड़िया भी अपने नीड़ में रहती है, सांप के भी बाम्बी होती है, भेड़िया अपनी मांद में रहता है, चूहे भी अपने लिए बिल खोल ही लेते हैं, तो मेरे शरीर को आतप और मेघ से सुरक्षित रखने के लिए एक टूटा फूटा मकान भी क्यों न हो। विराम। आत्मभाव जगा। मैं सोचने लगा कि दीन सुदामा के पास भी एक झोपड़ी थी। विराम। यदि वह किराए की होती तो कृष्ण भगवान उसके स्थान पर स्वर्ण महल न बनवाते क्योंकि उसके बाद मकान मालिक भी उसे अपनी बताने लगता। विराम पायरा। अब बस मकान बनाने का संकल्प कर लिया। विराम। मैं जब संकल्प करता हूँ तो उसे अवश्य पूरा करता है। विराम। दूसरे अपनी जमीन में से एक टुकड़ा देने को तैयार थे। विराम। लेकिन जैसे सिंह दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वैसे ही मैं दूसरों की चीज में से हिस्सा नहीं लेता। विराम। फिर उसके गुण भी मुझे अवगुण प्रतीत होते हैं। विराम। अब एक गड्ढा अछूता था। विराम। प्रेमांत की भांति उसके प्रत्यक्ष दोष को भी
भी मैं न देख सका। विराम। जमींदार ने सिर पर ऐसी उल्लू की लकड़ी फेरी कि 6 दिन के लिए तो अवश्य अंधा हो ही गया। विराम। पैरा। नेपाल सरकार के लिए हिंदी पर प्रतिबंध लगाना आसान न होगा। विराम। नेपाली के बाद इस हिमालयी देश में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। विराम। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली ज़्यादातर आबादी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करती है। विराम। ऐसे में हिंदी को बैन करने के लिए कानून लाया गया तो तराई क्षेत्रवासियों में इसका विरोध अवश्य ही देखने को मिलेगा। पूर्ण विराम।